नमस्कार बहुप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट में डाकघरों के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की पहल बिहार में तेज हो गई है, जिसके तहत ही बिहार के सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना है। इस काम को करने वाला बिहार देश भर का पहला राज्य है। हालांकि बिहार के सभी डाकघरों को दिसंबर में ही कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम कर लिया गया था, लेकिन डाकघरों के खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवा का लाभ मिलने में समय लगेगा। वर्तमान समय में डाकघरों के खाताधारकों को बैंकिंग की मूलभूत सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही राज्य के 9000 डाकघरों के 1.5 करोड़ खाताधारक मोबाइल से ही सारी तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, ई बैंक मार्केटिंग से लेकर स्कूल की फीस और हवाई जहाज का टिकट भी कटवा सकेंगे। इसके साथ ही आप प्रियजनों को खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए अधिक मशक्कत करते हुए भी नहीं देख पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना काल में डाकिया घर घर पहुंचकर लोगों की सहायता करते देखे गए थे। यही कारण है कि लोगों का विश्वास डाकघरों पर बढ़ा है। हालांकि राज्य में डाकघरों के एटीएम की भारी कमी है। वर्तमान समय में बात करें तो मात्र 45 डाकघरों के पास एटीएम की सुविधा है, जबकि डाकघर के खाताधारकों की संख्या 1.5 करोड़ है। इसमें मात्र 5 लाख खाताधारक को एटीएम कार्ड मिल जाता है। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाताधारकों को एटीएम कार्ड देने की संख्या बढ़ानी होगी। आपको बता दें कि अन्य बैंकों की तरह अब पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट धारकों के लिए भी अब पोस्ट ऑफिस ने भी फोन पर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कि IVR की सुविधा शुरू कर दी है। खाताधारक अब अपने रजिस्टर्ड नंबर से अपने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज जानकारी के साथ नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड गुमने पर भी उसे फोन के द्वारा ब्लॉक भी कराया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहकों को डाक विभाग के दूसरे उत्पादों की जानकारी भी फोन के माध्यम से मिल सकती है। इतना ही नहीं, अब डाक विभाग PPF, NSE और दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम के ग्राहकों के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इंडिया पोस्ट के टोल फ्री नंबर 1800266668 पर कॉल की सुविधा दी गई है, जिसके माध्यम से अब ग्राहक घर बैठे बैठे अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।